गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 7 की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 का नाम है प्रेरक प्रसंग। तो देखते हैं क्या बताया गया है। अनमोल मिट्टी। एक बार एक विदेशी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने आया। राष्ट्रपति के सचिव ने कहा, वे अभी पूजा कर रहे हैं। उनसे मिलने के लिए थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। वह विदेशी राजेंद्र प्रसाद के मित्र थे। उन्हें किसी काम से दिल्ली से बाहर जाना था। इसलिए जल्दी मुलाकात कर लेना चाहते थे। उन्होंने सचिव को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछकर आने का अनुरोध किया। उन सज्जन का परिचय पाकर राजेंद्र बाबू ने उन्हें अंदर ले आने की अनुमति दे दी। वह विदेशी महानुभाव उनके पूजा कक्ष में ही पहुँचे। उन्होंने देखा कि राजेंद्र बाबू ने पूजा के उपकरणों में मिट्टी की एक डली रखी है। जिसके चारों ओर कलावा लिपटा हुआ था उन्हें इसका प्रयोजन समझ में न आया। उन्होंने देखा कि राजेंद्र बाबू ने पूजा के उपकरणों यानी पूजा के जो साधन थे उनमें मिट्टी की एक डली रखी है जिसके चारों ओर कलावा लिपटा हुआ था उन्हें इसका प्रयोजन समझ न आया। आखिर बड़े संकोच के साथ उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, आप तो शिक्षित हैं और इतने ऊंचे पद पर आसीन हैं फिर इस नाचीज मिट्टी को यहाँ अपने सामने क्यों रखते हैं? नाचीज यानी तुच्छ। उन्होंने क्या कहा कि फिर भी मतलब इस नाचीज मिट्टी को यानी तुच्छ मिट्टी को यहाँ अपने सामने क्यों रखते हैं? उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इसका मोल क्या है? इसका यहाँ क्या काम है? राजेंद्र बाबू गंभीर मुद्रा में बोले, यह मिट्टी मेरे भारत की है, ईश्वर की नियामत यानी अमूल्य है। आप इससे कितनी ही चीज़ें बना लेते हैं लेकिन मिट्टी को आप बना नहीं सकते। वह तो ईश्वर की बनाई हुई है। वह विदेशी जिसे नाचीज समझ रहा था वह कितनी अनमोल थी। अब उसे पता चला, उसका सिर शर्म से झुक गया।
उसका मन राजेंद्र बाबू की महानता और प्रशंसा से भर उठा। उसका मन राजेंद्र बाबू की महानता और प्रशंसा से भर उठा। अब सभी विद्यार्थी से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।